उससे पहले हमारे बीच एक छोटा बच्चा है, उससे उसकी चाहत है कि मैंने पिछली बार मुझे मिला तो बड़ी खुशी के साथ, हाँ ऐसे बता रहा। हाँ आओ बच्चे, कहाँ पे बुलाओ उसे। हाँ तेरी बाइबल, हाँ आ जाओ आ जाओ, जो ऊपर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाइबल नहीं है तेरे पास? अच्छा मुंह जबानी पढ़िया। हाँ तेरी अपनी बाइबल नहीं है? पढ़ लेता है ना तू? हाँ जी। आज से मेरी तरफ से तुझे एक फ्री में एक गिफ्ट के तौर से आज एक बाइबल देगी। हाँ एक बाइबल लेकर आओ जल्दी से अंदर से। हाँ क्योंकि जिसका मन परमेश्वर के लिए प्यासा है ना, और ये छोटा है और इसने उस वचन को, ये वचन जो आज आप बताने वाले हो, ये वचन आपने किससे सीखा? परमेश्वर से। हाँ परमेश्वर से सीखा। और सुनो, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत खुशी मिलती है। क्या मिलती है मुझे? खुशी मिलती है, खुशी। और ये नहीं हाँ कि मेरा अपना बच्चा, मतलब अपना नहीं है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब यीशु मसीह भीड़ में ऐसे प्रचार कर रहे थे, हाँ अभी अभी बाद में देते हैं, तो जैसे यीशु मसीह, इसको उठा लो, जैसे यीशु मसीह जब ऐसे प्रचार कर रहे तो बहुत लोग थे, तो तब भीड़ में से किसी ने कहा कि प्रभु तेरी माता और तेरी बहन और भाई आए हैं, हाँ तुझे बुलाने के लिए। और यीशु मसीह ने कहा कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई और बहन, समझे हो? उसने कहा मेरी माता मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करती है। आमीन हालेलुया। कौन उसने कहा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करती है, समझे हो? इसलिए मेरे बेटे अपने से भी बढ़कर है, क्योंकि जो प्रभु की इच्छा को पूरा करता मैं उनसे प्रेम करता हूं। क्या करता हूं? मैं उनसे प्रेम करता हूं, समझ रहे हो? और ये बच्चा आज हाँ हमें प्रभु की महिमा के लिए पहले ये वचन बताएगा जो इसने सीखा, और उसके बाद ये कहता मैं प्रार्थना भी करूंगा। हाँ ठीक है, तो पहले वचन बताऊं आप। पहले दिन बनाया है परमेश्वर ने धरती और आकाश, फिर आदम बनाया था जो इंसान था पहला, उसके रहने वास्ते आदम वाटिका बनाई थी, तो उसकी पसली विच फिर उसके रहने वास्ते एक औरत बनाई थी। अपने विच जो पाप आया वो आदम ते हवा विच आया है, ते पाप अपने विच या खून विच। फिर परमेश्वर ने ओ हो गए बेविश्वास, जो उन्होंने विष फल खा लिया सी ना, ओ परमेश्वर दे विश्वास तो बेविश्वास हो गए सी। फिर सप शैतान जड़ा सप दे रूप चा के उन्होंने भला फसला के खरावा गया विष फल, फिर ओ होए या विष फल ओ आदम वाटिका तो बाहर हो गए। फिर ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। हाँ क्योंकि और बहुत से लोग ऐसे विश्वासी हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं, मेरे पास बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो इससे बहुत, ये तो बच्चा है, हाँ सियानी सियानी एज वाले उम्र वाले, हाँ जो कहते हैं मैं 2 साल से विश्वासी हूँ, 10 साल से हूँ, और अभी तक उन्हें पाप क्या है, पाप कहाँ से आया उन्हें यह पता नहीं। हाँ पर इसने कैसे, इसे पता है कि पाप कहाँ से आया और कैसे आया, हाँ किससे आया। हाँ ये छोटी बात थी, मैंने सच्ची में कह रहा हूँ, मैंने 2 साल के विश्वासियों को भी देखा, और कई बार मेरे पास 10 साल के विश्वासी भी आए और मैंने जब पाप के बारे विषय में पूछा तो वो कहते हमें नहीं पता पाप क्या है कहाँ से आए। पर ये छोटा बच्चा है, क्या है समझते हो? और आगे जाकर देखना परमेश्वर से बहुत इस्तेमाल करेगा। क्या आप भी चाहते हो कि मेरे बच्चों को ऐसे इस्तेमाल करें? हाँ चाहते हो? तो आज से अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना करना, चाहत करना, हाँ कि मेरे बच्चे भी परमेश्वर तेरी इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर ऐसे ही महिमा करें। हमें तो ठीक है, हाँ हम प्रार्थना भी सुनेंगे। हाँ बताओ कैसे प्रार्थना करते हो?
हालेलुया धन्यवाद खुदावंद पिता, धन्यवाद करता हूँ जो तूने मेरे सही किया, इन सबको भी चंगा किया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर तेरी तारीफ 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 हो, तारीफ हो, तारीफ तेरे नाम दी बड़ाई हो पिता परमेश्वर तेरी तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया 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 आमीन आमीन आमीन। कुछ और भी शब्द इसे आते हैं, थोड़ा जब कोई यहाँ पे आता है तो नर्वस होता, घबरा जाता। हाँ ये तो और भी ऐसे शब्द आते हैं पर बोलने में क्या हो जाती है, थोड़ी घबराहट हो जाती है ना, समझ रहे हो। और परमेश्वर से बहुत ब्लेस कर चुके हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये तेरे लिए, इसका कवर नहीं इसका लेकर आई है बच्चे, ये मेरी तरफ से तुझे ये गिफ्ट है। हाँ आज से इसे रोज पढ़ना, क्या पढ़ना इसे, आज से इसे रोज पढ़ना, ठीक है। और परमेश्वर तेरे साथ रहेगा और आने वाले दिनों में ऐसे ही परमेश्वर तुझे अपनी महिमा के लिए और भी बढ़ाता जाएगा। आमीन। ओके